अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो CPL एंड हुआ है जिसमें सैम यूब की टीम जीत गई है, जो अमेजोन वॉरियर्स की टीम थी, गुआना अमेजोन वॉरियर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो विन कर लिया उसने। और सैम यूब ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया है। इनफैक्ट द विनिंग शॉट, जो विनिंग सिक्स था, वो भी उन्होंने ही हिट किया था। एंड ही वॉज लुकिंग क्वाइट confident and was looking in great touch throughout this CPL season and throughout 2023 year mein kahungi, because bahut hi acha gaya hai unka, PSL bhi bahut acha gaya tha, abhi Pakistan ke liye unhone khela to usme bhi do matches mein unki achi performance thi, teen char matches mein unki achi performance thi, phir iske baad unhone CPL khela hai is year, to wo bhi unka phenomenal gaya hai. To khair CPL ki jo team announce ki gayi hai, jo CPL mein jitni bhi teams thi usme se jo main players yani jo acche star players the jinki performances bahut अच्छी थी, उन्हें टीम में सेलेक्ट किया गया है, जिनमें से हमारे इमाद वसीम CPL टीम का हिस्सा बने हैं ऑफ 2023 इयर्स, और है कि हमारे सैम अयूब भी उस टीम का हिस्सा बने हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। सैम अयूब के लिए ऑब्वियसली खैर बातें हो रही हैं कि T20 में, खैर अभी भी वो T20 में तो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, बट मजीद उन्होंने अपने एक उम्मीद, अपना एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार अपने आप को जाहिर किया है 2024 वर्ल्ड कप के उम्मीदवारों के लिए। और जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इश्यूज हुए, उसमें भी सैम अयूब का नाम है, आई थिंक कैटेगरी डी में है, और इमाद वसीम का भी खैर नाम है। तो बहुत से लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि इमाद वसीम को नहीं रखा गया, इमाद वसीम को नहीं रखा गया, तो ये बातें हो रही थी कि ODIs में नहीं, वो T20s में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो T20s में है कि इमाद वसीम होंगे ऑब्वियसली, और तभी उन्हें रखा गया है। और जब 2024 का वर्ल्ड कप होगा तो डेफिनेटली इमाद वसीम को कंसिडर किया जाएगा, विच इज़ अ नाइस मूव। और खैर इमाद वसीम को CPL टीम में भी रखा गया है बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, और बोल के साथ तो वो बहुत ही फिनोमिनल, बैट के साथ उनकी एक ही है कि स्टेलर परफॉर्मेंस आई थी, इसके बाद कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने बैटिंग के साथ नहीं दी है, जस्ट 150 है उनकी बैटिंग में, बट बॉलिंग उन्होंने बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी की है CPL में, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के इमाद वसीम और सैम अयूब के लिए, और है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट तो ऑब्वियसली होता है। और आई डोंट थिंक कि ये ODI फॉर्मेट हो रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वी विल गोना मिस इमाद वसीम, बट आई डोंट थिंक पर्सनली, बिकॉज ODI में लिटरली वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं और इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, स्टैट्स भी उनके मैंने आपको पहले शेयर किए थे, उनके स्टैट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं ODIs में। हाँ, T20 के वो अच्छे बॉलर हैं, T20 में वो नया बॉल भी कर लेते हैं, अच्छे स्पिन भी कर लेते हैं, और T20 के हिसाब से उनकी बैटिंग अप्रोच भी है, तो आई थिंक T20 के वो अच्छे प्लेयर हैं, और ODI फॉर्मेट में नहीं, सो आई डोंट थिंक वी विल गोना मिस इमाद वसीम इन द वर्ल्ड कप। एंड है कि होपफुली हमारे स्पिनर्स अगर अच्छा करेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली इमाद वसीम को याद नहीं करेंगे, बट इफ़ हमारे स्पिनर्स ने खुदा न खास्ता अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली हमें इमाद वसीम की याद आने वाली है, बट होपफुली कि ना आए, और हमारे शादाब खान और जो मोहम्मद नवाज़ हैं वही अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से स्पिन बॉलिंग करें। खैर इंडियन पिचेस पे मुश्किल है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली होती है, बट मैंने तो इतनी कोई नहीं देखी, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीरीज़ हो रही है उसमें भी खैर इतनी ज़्यादा, मुझे तो खैर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही फ्लैट पिच है, बिल्कुल ही रोड है, और वहाँ पर खेल रहे हैं, ना स्पिन हो रहा है, ना ब्रेक हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना स्विंग हो रहा है, जस्ट सीधी सीधी बॉल आ रही है, बॉलर की मर्जी, बैट्समैन की मर्जी है, वो जहाँ पे भी मारे। तो खैर बट है कि जो हिस्ट्री बताती है और जो स्टैट्स बताते हैं ऑब्वियसली वो यही हैं कि स्पिनर को सपोर्ट मिलती है, अच्छी स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी स्पिनर हो या पेसर्स हो इंडिया में अगर आपको कामयाब होना है, तो वरना तो आपको बहुत ही मार पड़ने वाली है। और खैर देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान टीम से, तो कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, वर्ल्ड कप विन करके आए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।